इसराइल ने इराक के हमलों के जवाब में 25 दिन बाद पलटवार किया है। इसराइल ने 3 घंटे में ईरान के 20 ठिकानों पर हमले किए। इसमें मिसाइल फैक्ट्री और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसराइल डिफेंस फोर्स ने ईरान पर हमले की जानकारी दी थी। IDF ने कहा कि ईरान और मिडिल ईस्ट में उसके सहयोगी 7 अक्टूबर 2023 से 7 मोर्चों पर इसराइल पर हमला कर रहे हैं। ऐसे में इसराइल को भी जवाब देने का अधिकार है। हम इसराइल और हमारे लोगों की रक्षा के लिए जो भी जरूरी होगा वो करेंगे। हमले के बाद इसराइल, ईरान और इराक ने अपने एयर स्पेस बंद कर दिए हैं। बता दें कि तेहरान के इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास हमले हुए। एयर स्ट्राइक के बाद अमेरिका ने इसराइल का समर्थन किया है और कहा है कि ये ईरान के हमले का जवाब है।